नमस्कार रे किन दछंदी आशा करछ आपण माने झकास थिबे मु भी आज्ञा पर झकास छि आज्ञा बेले बेले आमो पाखरे परिस्थिति ने इंतिया घटी जाए आमे बेले बुझी पारुनी सेतिरे बेले भूलटा कहार बेले बेले भाबू कि एटा बोधे कोनोसी व्यवस्था रा त्रुटि हेतिबो नहले किछि लोकंकर मूर्खामी हेतिबो किंतु घटनाटा तो भारी अप्रीतिकर हेतिबो हेले से घटनाटा किण चालन तुमे वीडियो भावदर देखो छि ए दृश्यटि होउछि ढेंकानाळ मुख्य डाक्तरखानार चित्रटि रुंद रुंद मु गोटे बुझी पारुनि एडि बेले तांको संपर्कय स्टेचर रे धरि कि डाक्तरखाना भितर को पसिबा बदल रे गेट बाहर को केण पळोचंदे अरे एडि केण चलती तांको तो के रोकु बि नांदी सेडि तो निश्चिंत के सब जगिया पई थिबे जो वॉचमैन भाई डाक्तर सार कोण के बेले ताको रोकना दे जाउचंदे गोडे एत कथा मो मन रे जिंदी क्वेश्चन उठुचे आपण को क्वेश्चन भी सेमती आसतबो आपण को मुंडो को हेले एटा क्यों चलचे भितर को जाई के भलो कि तन्नागन करिया हॉस्पिटल रो रोगी को धरी संपर्क अछु स्ट्रेचर रे रोगी को धरी बोलिले शहर भूत लागि थिबारु बाबा को पाखो को नै जाइथिबा कहिले रोगी को संपर्क अरे भाई रोगी को नै कि पळेले मो आउ आसिले कि नै भगवान जाने नाई नाई आसिले हे तांको केवल डाकी के आनले आउ भाई ने कि ए तमे बाहर को काण जाइथिलो फूणी भितर को किंदे आसिलो सिधे भूत लागि छि ना कोन मो बहु आन थिलो जे भलो करिया जे डाक्टर तो पारिबे ने भूत होत से झोली हो तो आमे से कहले से निजे कहूँ मत माँ को बाप को लेकिन जा मत माँ निजे भल कर तुमको गला बेले किए रोकी नए किए तुम एम पलि हॉस्पिटल छाड़ी तो छेकी ना बाटर सब तो देखु हे भगवान क्यों कह क्या दोष देवु तुम्हें तो डाक्तरखाना आसीलो ये रोग चिकित्सा करने पुणी झाड़ी हवा को क्यों नहीं आउ 2020 से झड़ा झड़ी आउ अच्छी भूत क्यों लगी भूत को तुम के जीवन रे देखी गोटे प्रहसन कहानी कौन डाक्तरखाना आणिकी भूत झाड़िया को बाबा पाक नहीं जाइल झाड़ल से कहले तो कल आने हाँ कहे से आम अटक आम रही जाए भल कल हे प्रभु दुनिया कौटे अच्छी मत तो पूरा डर लगे कि लोक मान में मत भेट पड़ी चलतु तांगे आज जन स्त्री लोक आसी क्यों हे आण कौन माँ किए कड़े जाइ तुम्हें कहते अटो भड़ा कर तो बस पार ना कि अटो करते बाबा रे इटी कौन चली दोष दबो एटी आज्ञा ये रोगी को नहीं कि पलाऊँच पुणी स्ट्रेचर रे आज्ञा स्ट्रेचर जदि से ग्रिल रो बाहर को जीव किए तो जो क्वेश्चन करना आठ रोगी आसुँ मन को मन पलाऊँच ये किसी हिसाब पत्र अच्छी ना नहीं चलो तो डाक्टर बाबू को पचार पेसेंट निजे कौन बुझी निजे कमी कड़े गला से कथा किसी से गला से कथा आम कहीपर जे केमी से गला आम एक्चुअली रेफरल व्यवस्था कलु किंतु से कौन बुझला किए कौन मतला से नहींकिपर केमी जा आगे ये होचे गोटे ढेंकानाळ गाँव निपट मफसल रु आसीथिबा निहाती गरीब लोक जो मैंने पाठ कम बेले पढ़ुचंती आज्ञा कम पाठ पढ़ुथिबा लोक पाखरे कम पैसा थिबा लोक मुंडरे बहुत कम बुद्धि भी थाए आउ तांकु ए जो बड़ बड़ चेयर रे बसीथिबा बड़ बड़ बाबू माने जो माने डाक्टरी पाठ पढ़िकी आमे तांकु सेकंड भगवान बोली कहचे बेले से माने चाहिथिले तांकु टिके भलरे बुझे पारिथांदे आउ एतिके भी जानिबा दरकार से जदि बुझिला सुझिला लोक होइथांदे गुणी गारडी उपर भरोसा करिनथांदे आज्ञा आपण तांकु टिके भलरे बुझे भी पारिथांदे सेटी संग एडवाइज टिके जे ट्रीटमेंट देकी ताकु इमिडिएटली रेफरल दिया हला एसवी मेडिकल कॉलेज कटक किंतु से पेशेंट तापर निजे कौन बुझी निजे केमिती जाई कुआडे गला से कथा आमे आउ किछ कहि परिबुनी आउ आपण तांकु कटक जिबा पई परामर्श दे देले आज्ञा तांको पाखरे जदि पैसा पत्र थांता ताहले से माने गुणी गारडी उपर भरोसा करि न थांते आपण तांकु टिके भलरे बुझै पारि थांते भल ट्रीटमेंट दे पारि थांते किंतु आपण कोन एबे दोष झाडी दउचंती जे आमे तांकु ए कहिलु से कोन बुझिले से कुआडे जेबे आमे जानिनु तकु इमिडिएटली रेफरल दिया हला एसवी मेडिकल कॉलेज कटक
କିନ୍ତୁ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ତାପରେ ନିଜେ କ'ଣ ବୁଝିକି ନିଜେ କେମିତି ଯାଇକି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ କଥା ଆମେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଡିସଚାର୍ଜ ପେପର ତ ଆପଣ ଲେଖିଥିବେ ନା ବିନା ଡିସଚାର୍ଜ ପେପରରେ ସେ ପଳାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ବି ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ବି ସେମାନେ ବିନା ଡିସଚାର୍ଜ ପେପରରେ ପଳାଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଏତେ ଜଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିଲେ, ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ, କ'ଣ କେହି ଦେଖିପାରିଲେନି ବୋଲେ ସେ ଲୋକ ସେ ରୋଗୀକୁ ଧରିକି ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ଧରି ଧରି ପୁରା ବାହାରକୁ ପଳାଇଲେଣି, ପୁଣି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ପଳାଇକି ସେ ବାବାକୁ ଖୋଜି ଖାଜିକି ଆଉ ଥରେ ପଳାଇ ଆସିଲେଣି। ଠିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଭାଇ, ମୋତେ ତ କିଛି ବୁଝାପଡ଼ୁନି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା କଳାହାଣ୍ଡିର ଭବାନୀପାଟଣା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପୋଛିନଥିବ, ଦାନମାଝୀଙ୍କ ଘଟଣା। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାନ୍ଧରେ ବୁହାଇକି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ପଳାଇଥିଲେ, କେହି କିଛି ଦେଖିପାରିନଥିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ବି ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରମିସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କରିଥିଲେ ଏମିତି ଘଟଣା ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାର କଥା ଏ ବେଲେ ଏଠି ଏଠି ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା? ଡାକ୍ତରଖାନାର ଡାକ୍ତରବାବୁମାନଙ୍କୁ, ନା ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ନା ରୋଗୀର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ, ନା ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ? କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆପଣମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।